बुद्धि को एकाग्र करते हुए भृगुटी के मध्य मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मस्तक पर विराजमान एक दिव्य तेजोमय सितारा अपने शांत पवित्र शक्तिशाली तेजोमय स्वरूप को मस्तक के बीच अनुभव करें। ज्ञान सूर्य शिव पिता की संतान मैं आत्मा बाबा से प्राप्त वरदानों को गुणों को शक्तियों को स्वयं में समाकर उनका स्वरूप बन गई हूँ। मेरे ही जड़ चित्रों से भक्त आत्माएं शक्ति का शांति का अनुभव कलयुग के अंत तक भी प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं आत्मा इस कल्याणकारी संगम युग पर चैतन्य में वरदानी स्वरूप बनकर समस्त विश्व में बाबा की किरणों का प्रकाश फैलाकर दाता की संतान मास्टर दाता विश्व कल्याणकारी महावीर विघ्न विनाशक बन गई हूँ। देखें मंदिरों में अपना विघ्न विनाशक महावीर अष्टभुजाधारी इष्ट देवी का स्वरूप। वापस भ्रकुटी के बीच मैं सदा खुशी के झूले में झूलने वाली हर्षित मुख आत्मा हूं। मेरा हर बोल रूहानी खुशबू से भरा परमात्म प्राप्ति की सुगंध से भरा अन्य आत्माओं में उमंग का उत्साह का
संचार कर रहा है। उदास आत्माएं मेरे द्वारा परमात्मा प्यार का अनुभव कर अपने समस्त बोझ से मुक्त होकर बंधन मुक्त अवस्था का खुशी का अनुभव कर रही हैं। मेरे सार युक्त वचन, मेरी सर्व प्रति कल्याण की भावना, शुभकामना निर्बल को बल दे रही है। कलयुग की ताप से दुखी शांत मनों को सुख का, शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, उमंग उत्साह का अनुभव करा रहे। मेरी परमात्म लगन में मगन अवस्था उन्हें उनके व्यर्थ से मुक्त कर समर्थ बना रही है। चारों ओर देखें, ग्लोब के ऊपर अपना फरिश्ता स्वरूप, चारों ओर सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान और योग का वातावरण बनता जा रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा परम पिता परमात्मा के अत्यंत समीप समान बनती जा रही है। मेरा हर संकल्प शक्तिशाली, हर पल समर्थ, हर बोल सर्व प्रति कल्याण की भावना से भरपूर। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का पार्ट टू है, समीप आत्मा की निशानियां का पार्ट टू है आज, और मुरली की डेट है 14/2/1978। तो जैसा कि कल हमने सबने सुना कि बाबा ने कहा कि हम बहुत लकी बच्चे हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने स्वीकार कर
अपने गुणों शक्तियों खजानों का अधिकारी हमें बनाया है। और अब हमें चेक करना है कि हम अधिकारी बनने के बाद कितने बाप समान हैं, उनके कितने समीप हैं। बाबा कहते हैं समीप अर्थात समान स्थिति में, गुणों में, कर्तव्य में। तो हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता, मास्टर विश्व कल्याणकारी कितना बने हैं। हमारा हर संकल्प सार युक्त है, देने की भावना से है, कल्याण के भावना से है। ये हर समय की चेकिंग हमें करनी है। बाबा कहते हैं कि आपको स्वयं परिवर्तन दीदी होकर के, ओम शांति दीदी, ये पेज नंबर 40 से पढ़ना है, सेकंड पैराग्राफ। ये कहाँ से है, ये क्या है इन्होंने भाई जी ने? जी अभी तो सार बता रहे हैं। हाँ पेज नंबर 40 से है, सेकंड पेज पैराग्राफ, नंबर सेकंड 40 सेकंड पैराग्राफ। एक एक पैराग्राफ। रत्न वैल्यूएबल है। जी। तो आज की मूल्य स्टार्ट करते हैं। ये कल का सार था, ठीक है। आज बाबा कहते हैं, बाबा हमें और नशा चढ़ा रहे हैं आज। तो बाबा कहते हैं कि हमें हर कर्म में हमें चढ़ती कला का अनुभव होना चाहिए। और फिर बाबा बताते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ क्या होता है, जो सोचा वो प्लान किया और प्रैक्टिकल में किया। तो बाबा के महावाक्य को सुनते हैं। बाबा कहते हैं, एक एक रतन वैल्यूबल है क्योंकि अगर वैल्यूबल रतन नहीं होते तो कोटों में कोई आप ही कैसे आते। जिसको दुनिया अपनाने के लिए तड़प रही है उसने मुझे अपना लिया। एक सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है। अभी भी देखिए मंदिरों में कितनी भीड़ होती है, सेकंड में ही, मतलब किसी को रुकने भी नहीं देते हैं मूर्ति के आगे, सबको जल्दी से दर्शन करके निकलना होता है। तो एक सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है और हम, आप तो बच्चे बन गए, तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा मन खुशी में नाचता रहे। वर्तमान समय की खुशी का नाचना भविष्य चित्र में भी दिखाते हैं। कृष्ण को सदैव डांस के पोज में दिखाते हैं ना। साकार में भी बाबा कितना खुशी में, हम सबको पता है, दादी जानकी ने देखा है उन्हें डांस करते हुए, बाबा खुशी में नाचते थे। और वही कृष्ण को सदैव डांस के पोज में दिखाते हैं ना। तो हमें भी इतनी खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान के हम बच्चे बने। जैसे बाप जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। हे आत्मन, ये कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहे हैं कि आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। अच्छा, जो नहीं पहुंच सके हैं उन्हों को भी बहुत बहुत याद देना। बाप दादा का स्नेह अवश्य समीप लाता है। अमृत वेले उठ बाप से रूह रूहान करो तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। हम सबने महसूस किया है, कोई भी कैसे भी परिस्थिति हो, बाबा के साथ बैठ जाएं और बातें करने से एकदम सब क्लियर समाधान हल मिलता है। कोई भी बात हो उसका रेस्पॉन्स रूह रिहान में मिल जाएगा। मधुबन वरदान भूमि से विशेष यह वरदान लेकर जाना तो और भी लिफ्ट मिल जाएगी। जब बाप बैठे हैं बोझ उठाने के लिए तो खुद क्यों उठाते। बाबा हमको कितना हल्का कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जब आप मेरे बच्चे हो, डायरेक्ट आपका मुझसे संबंध है, तो आप क्यों अपना बोझ उठाते हो। जितना हल्का होंगे उतना ऊपर उठेंगे, उड़ेंगे।
अनुभव करेंगे कि कैसे हल्के बनने से ऊंची स्टेज हो जाती है। तो फरिश्ता है ना हम लोग, तो सारा बोझ सब समाप्त करके हमेशा लाइट स्थिति। बाप को जान लिया, पा लिया, इससे बड़ा भाग्य तो कोई होता नहीं। घर बैठे बाप मिल गया, बाप ने ही आकर जगाया ना बच्चे उठो। देश कोई भी हो लेकिन स्थिति सदा बाप के साथ रहने की हो। चाहे देश से दूर है लेकिन बाप के साथ रहने वाले नजदीक से नजदीक। बाबा कहते हैं फिजिकल टर्म्स में दूरी भले कितनी हो पर मन बुद्धि कहाँ है, चित्त कहाँ है, वो मायने रखता है। और मन बुद्धि से हमेशा बाप के समीप रहेंगे तो समीपता का अनुभव करेंगे। कुमारियां निर्बंधन है किस लिए? सेवा के लिए। ड्रामा में यह भी एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट का लाभ लेना चाहिए। जितना जितना अपना समय ईश्वरीय सेवा में लगाती जाएंगी तो लौकिक सर्विस का भी सहयोग मिलेगा, बंधन नहीं होगा। कुमारियां बाप को अति प्रिय हैं क्योंकि जैसे बाप निर्बंधन है वैसे कुमारियां हैं, तो बाप समान हो गई ना। अच्छा, बाबा ने कुमारियों को नशा दिलाया है कि आप निर्बंधन हो, बाप समान। आगे बाबा त्रिनिदाद ज्ञाना के ग्रुप से सम्मुख होते हैं। बाबा कहते हैं वरदान भूमि में आकर अनेक वरदानों से स्वयं को संपन्न बनाया। मधुबन है ही कमाई से झोली भरने का स्थान। मधुबन आना अर्थात अपने को वर्तमान और भविष्य के अधिकारी बनने का स्टैंप लगाना। अधिकारी बनने का साधन है माया की अधीनता को छोड़ना। बाबा कहते हैं अधिकारी बनने का क्या साधन है कि हमें जो माया है, जो व्यर्थ है हमारे अंदर, उसकी अधीनता को छोड़ना। मैं आत्मा राजा इस स्थिति में स्थित होकर माया से विजय प्राप्त करना, तो अधिकारी होना। अच्छा, अभी कनाडा के ग्रुप के साथ बाबा के वचन है। कनाडा ने कितने रत्न निकाले हैं? क्वांटिटी नहीं तो क्वालिटी तो है। जब एक दीपक से दीप माला हो जाती है तो एक से इतने तो बने हैं ना। इसलिए एक-एक को समझना चाहिए कि मुझ एक को अनेकों को संदेश देकर माला तैयार करनी। बाबा की समझानी थी, मुझ एक को अनेकों को संदेश देकर माला तैयार करनी है। जो भी संपर्क में आवे उन्हें बाप का परिचय देते चलो तो कोई ना कोई निकल आएगा। बाबा आगे विधि बताते कि संपर्क में आने वालों को परमात्म ज्ञान का या भगवान का परिचय दे तो कोई ना कोई निकल आएगा। हिम्मत नहीं हारना कि कोई निकलता नहीं, निकलेंगे। बाबा ने कहा है निकलेंगे। कोई कोई धरणी फल थोड़ा देरी से देती है और कोई जल्दी से, इसलिए जहां भी ड्रामा अनुसार सेवा के निमित्त बने हो तो जरूर कोई रतन है। ड्रामा अनुसार सेवा के निमित्त बने हो तो जरूर कोई रतन है, तभी निमित्त बने हो। लक्ष्य पावरफुल रखो कि अब हमें सेवा से सबूत देना ही है तो मेहनत से सफलता हो ही जाए। बाबा कहते हैं सफलता हुई पड़ी है आपकी मेहनत से। अब लेस्टर का ग्रुप बाबा के सामने है।
बाबा कहते हैं, सदा अतींद्रिय सुख में झूमने वाले हो ना, सदा अतींद्रिय सुख, पाप मिला सब कुछ मिला, इसी स्मृति से अतींद्रिय सुख की अनुभूति ऑटोमेटिकली हो जाए। हमारा साथी कौन है, हमें कौन मिला है, ये स्मृति हमें सारे दिन रहे तो वो अतींद्रिय सुख, वो नशा हमें महसूस होता रहेगा। दुख की अविद्या दुख का नाम निशान नहीं। जैसे भविष्य में दुख और अशांति का अज्ञान होगा, मतलब हमारे देव स्वरूप में सतयुग में दुख और अशांति का अज्ञान होगा, वैसे अभी भी अनुभव करेंगे कि दुख अशांति की दुनिया ही और है। वह कलयुगी है, हम संगम युगी हैं। ऐसे महसूसता होते ही ना कि घोर कलयुग के बीच में भी हम बाबा की छत्र छाया में कैसे भी परिस्थितियों शीतलता का अनुभव करते। वह कलयुगी है, हम संगम युगी। संगम युगी के पास दुख अशांति का नाम नहीं, दुखी को देख तरस आएगा। दुख का अनुभव तो बहुत समय किया, अब संगम युग है ही अतींद्रिय सुख में रहने का समय। बाबा सब जानते हैं, बाबा आपको पता है हमने बहुत दुख का अनुभव किया है, पर अब उन सबसे वो तो मर्जीवा जीवन, अतींद्रिय सुख में रहने का समय है। अब यह अनुभव सतयुग में भी नहीं होगा। कितना विशेष है यह अनुभव कि जो सतयुग में भी नहीं होगा। जैसा समय वैसा लाभ लो। सीजन है अतींद्रिय सुख पाने की, तो सीजन में ना पाया तो कब पाएंगे। बाप की याद ही झूला है, इस झूले में ही झूलते रहो, इससे नीचे ना आओ। कुछ भी हो जाए, बाबा नहीं भूले तो सदा हम बाबा की किरणों के झूले में, उनकी महसूसता में झूलते रहे। लेस्टर का भी सर्विस में नंबर आगे है। लंदन में लेस्टर की महिमा भी अच्छी। रहम दिल है जो हम जिन्स को बढ़ाते जाते। बाबा कहते हैं हमको बहुत रहम दिल बनना है, और हमारे जो भाई बहन है, अन्य भाई आत्माएं हैं, उनको भी आगे बढ़ाते जाना है। कुमार कुमारियों युगल सब वृद्धि को पाते जा रहे हैं, रिजल्ट अच्छी है, लेकिन और भी बढ़ाओ। ऐसी संख्या बढ़ जाए जो जहां देखो वहां ब्राह्मण ही दिखाई दे। अब मॉरिशस का ग्रुप बाबा के सामने है। सदा स्वयं बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों से संपन्न समझते हो, जैसे बाप सागर है। सागर अर्थात संपन्न, वैसे ही अपने को संपन्न समझते हो। अगर संपन्न नहीं होंगे तो माया का वार किसी न किसी रूप में होता रहेगा। संपन्न अर्थात माया जीत। संगम पर ही मायाजीत बनने की बात है, सतयुग में नहीं। मायाजीत वर्तमान का टाइटल है, उसका अभी अनुभव करना है। जितनी लगन उतना निर्विघ्न, जितनी लगन जितना उतना उतना निर्विघ्न बनेंगे हम। अच्छा, हांगकांग के ग्रुप के साथ सदा एक ही लगन रहती है, अपनी हम जिन्स को जगाने की। कितना भावना रहती है कि जो हमें मिला है वो भी वो अवस्था को पाए, वो जागृत हो, रियलाइज करे कि भगवान आया है।
अपने हमजिंस को जगाने की, अपने बिछड़े हुए परिवार की माला में पिरोए यही लगन रहती है। इसके सिवाय और जो कुछ भी करते हो करते वो निमित्र मात्र। बाबा कहते हैं हमारा एक यही कर्तव्य होना चाहिए, यही भावना होनी चाहिए निमित्त बन के। लौकिक में रहते न्यारे और प्यारे बनना है। और बाबा आगे समझाने देते हैं कि हमें लौकिक में रहते न्यारे और प्यारे बनना है, बनाना है ब्राह्मणों से और चुकतू करना है अज्ञानी आत्माओं से। संपर्क संबंध से बिल्कुल पानी से ऊपर, बाबा बता रहे हैं आगे कैसे, संपर्क संबंध से बिल्कुल पानी से ऊपर, कीचड़ से ऊपर कमल समान रहना। लौकिक में रहते हमें कैसे रहना है, कीचड़ से ऊपर कमल समान रहना। ऐसी स्थिति रहती है कि थोड़ा सा मोह है, नष्टो मोहा बनने का तरीका है अपनी जिम्मेवारी नहीं समझो। बाबा ने बहुत हल्का किया है हमें, नष्टो मोहा बनने का तरीका है अपनी जिम्मेवारी नहीं समझो। जिम्मेवारी समझते तो मोह हो जाता, जिम्मेवारी छोड़ना अर्थात नष्टो मोहा। खुद स्वयं को बच्चा समझो, बड़ा नहीं। दादी गुलजार बहुत अच्छे से बताती है कि जैसे छोटा बच्चा आकर के कुछ भी हो जाए बाहर किसी से भी, तो आकर के माँ बाप को बोल करके हल्का हो जाता है, तो वैसे ही हम बाबा के सामने जाकर के बच्चा बन जाए, सब कुछ बाबा को बता करके सौंप करके अपने आप निश्चिंत। खुद को बच्चा समझो, बड़ा नहीं। बच्चा समझना अर्थात नष्ट होना, मोह होना। बड़ा समझते तो बाप भूल जाता, बच्चा समझने से बाप की याद स्वतः आएगी। हांगकांग की धरणी कम नहीं है, फलीभूत धरणी है और अनेक फल निकल सकते हैं। सिर्फ शक्ति से ना महावीरनी बन स्टेज पर। अब कहते हैं कैसे, शक्ति से ना महावीरनी बन स्टेज पर आओ। खुशी का जो अखुट खजाना मिला है, इसी खजाने में सदा खेलते रहो। याद का रिटर्न यादगार बनाकर दिखाओ। अच्छा, तो ये आज सेकेंड पार्ट यहां तक है। ओम शांति। जी, ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते, फिर हम चर्चा करेंगे। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है, मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये एक लाइन थी जिसमें है कि बनाना है, सॉरी, बनाना है ब्राह्मणों से एंड चुकतू करना है अज्ञानी से। अगर आप इसको प्लीज समझा सके। थैंक यू। ओम शांति। जी, क्या बनाना है?
कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। जी आज तक मेरा ये चिंतन चला है कि बाबा कहते कि अज्ञानी आत्माएं आत्माओं से आपको हिसाब किताब अपने चुकतू करने हैं, लेकिन हिसाब किताब अब हमें अपने ज्ञानी आत्माओं से बनाने हैं, क्योंकि हम सब अब सतयुग की ओर हैं हमारे कदम, तो वहां पर भी हमें एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आएंगे, है ना, चाहे फैमिली में आएंगे, चाहे मतलब किसी भी कार्य व्यवहार में आएंगे, तो यहाँ पर ही हम वो अपने जो संबंध बनाकर वहां पर फिर एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आएंगे ना, तो मेरा तो यही चिंतन चला। ओम शांति। जी, है ना, संबंध बनाना है ना। सो अज्ञानी आत्माओं से हमारा जो हिसाब किताब है उसको चुक्त करना है, क्योंकि आगे ये संबंध है ना 5,000 वर्ष होने के बाद ही होगा, लेकिन सत्ययुग त्रेता में अभी ब्राह्मण परिवार से ही हमारा संबंध होगा। और कोई इसके ऊपर और चिंतन है और किसी का आप शेयर कर सकते हैं? ओम शांति दीदी। जी मैं ये संकल्प चला कि ब्राह्मण परिवार को हम सहयोग देते हैं तो हम अपना भाग्य बनाते हैं, तो ये बनाना मीन्स भाग्य बनाना भी है, साथ साथ जब अलौकिक फैमिली में जो हिसाब किताब होता है ना उसके लिए भी हम अलौकिक सेंटर में हो जाते हैं, समर्पित भी होते हैं। तो ऐसे भाई बहन अलौकिक फैमिली में भी अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए अलौकिक में जाना पड़ता है, तो दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि वहाँ चुकतू भी करना है जो अलौकिक पहले 5,000 वर्ष पहले जो किया था वो, और बनाना भी है क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं एक दूसरों को सहयोग देते हैं, तो हमारा भाग्य संगठन में सेवा करके सभी तरह से हम भाग्य बनाते हैं, उनको युक्तियां बता के सहयोग देकर उनको ऊंचा उठाकर उमंग उत्सव लाकर, तो ये है बनाना मीन्स दोनों तरीके से हमारा चुकतु भी होता है उनके साथ और हमारा बनता भी है उनके साथ। और जो बन चुकतु होता है वो तो बताया बाबा ने कि अज्ञानियों के साथ हमें चुकतु करना है, लेकिन बनाना है भाग्य भी बनाते हैं और हिसाब भी चुकतू करते हैं। ओम शांति। तारा थैंक यू सिस्टर। सो मच। थैंक यू। जी, मैं अपना पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन सभी वो शेयर कर ले तो उसके बाद मैं शेयर करूँ कि मैं पॉइंट नहीं, शेयर कर आई थिंक सकती हूँ। शायद सभी ने शेयर किया है। नहीं दीदी, एक पॉइंट ये था कि जब हम ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देते हैं तब हम गुणों की लेन देन भी करते हैं, क्योंकि जब हम सहयोग करते हैं कोई भी जैसे सेवा में होते हैं तो गुणों की लेन देन बहुत होती है, तो वो भी एक प्रकार से हमको सत्युग में सपोर्ट करेगा। और इसका लाइव एग्जाम्पल है हमारा अव्यक्त मुरली क्लब। हम लोग अलग अलग भिन्न भिन्न स्थान से हैं फिर भी जुड़े हुए हैं, तो हमारा कुछ तो कनेक्शन रहेगा ना साथ में सत्युग में। शांति। बिल्कुल, है ना, हम सब जुड़े हैं सत्ययुग में, हम साथ में रहेंगे। ऐसे अभी हम है ना मिल रहे हैं जूम पर, ऐसे वहां भी हम कहीं ना कहीं मिलेंगे, है ना। और किसी का इसके ऊपर चिंतन है तो अभी ओम संभव शांति। जोड़ना है। ओम जी शांति दीदी। अभी हम देखो परिवार में बना रहे हैं मुरली क्लब में, तो इस हिसाब बना रहे हैं, बनाना हो गया चुकतु हम अज्ञानियों के साथ घर में कर भी रहे हैं, बनाना हमने यहाँ है चुकतु घर में करना है अपने लौकिक परिवार में, लौकिक में बनाना है क्योंकि कल को फिर सहयोग लेना है। ओम शांति। जी वैसे भी जैसे भाई जी, ओम शांति दीदी, जैसे भाई जी बोले अब सतयुग में हम एक दूसरे के साथ, अब ये ग्रुप में जो आत्माएं हैं हम एक दूसरे के साथ मिले, चाहे एक दूसरे के फिजिकली नहीं मिले हुए हैं लेकिन आत्मा के रूप से एक दूसरे के संस्कारों को जानते हैं, बातचीत का पता चलता कि हाँ ये बहन बोल रही है, तो ऐसे हमारा एक दूसरे के साथ फिर मिलना होगा ना, तो यही पर ही हमें अपने सुंदर और मीठे संबंध बनाने हैं। ओम शांति। जी, सही बात है ना। सो आत्माओं का मिलन है ना। सो फिजिकल है ना संबंध, फिजिकल रीति से मिलना वो अलग है ना। सो हम सब जुड़ रहे हैं यहाँ, बिल्कुल हमारा संबंध बन रही है अभी। बहुत अच्छा, तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज मुरली में कहा है कि जैसे बाप जैसे कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है।
बाबा ने कहा है कि जब बाप से रू रिहान करो तो परिस्थितियां का हल स्पष्ट दिखाई देगा, बाबा से रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और तो बोझ बाप को दे दो। बाप बाप बैठा ही है बोझ उठाने के लिए। तो और बाबा ने कहा कि मधुबन से वरदान लेकर जाओ और उससे भी हमें लिफ्ट मिल जाएगा। तो और जितना हम हल्का होंगे उतना हम ऊपर उड़ सकेंगे, ऊपर उठेंगे। ओम शांति। लास्ट मुरली अभी मुरली में भी यही बताया ना बाबा ने, सीजन मुरली में है ना, बोझ सब बाबा को देना है तब आप फरिश्ते बनेंगे, नहीं तो फरिश्ते नहीं बन सकते क्योंकि बोझ भारी लगता है ना, नीचे आते हैं वो खींचते हैं हम। सो जो भी मन का बोझ है ना सब बाबा को दे देना, हल्का हो जाना तब हम फरिश्ते बन सकते हैं। तो बाबा ने ऐसे बताया। और अमृत वेला है ना, जो भी बात होती है तो स्पष्ट बाबा को, बाबा के सामने स्पष्ट करिए सो सॉल्यूशन मिल जाएगा है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। अमृत वेला क्यों नहीं, हम अलग समय भी, हम कभी भी है ना, मन लगता है बाबा का साथ गुरु रिहान करके उसी टाइम बाबा का साथ शेयर करें सो सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी अश्विनी दीदी बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें लौकिक संबंध संपर्क में रहते भी हमें कीचड़ से ऊपर कमल पुष्प समान रहना है, हमें घर पर रहते हुए भी लौकिक संबंध संपर्क में भी हमें बाबा आज बोलते हैं। ओम शांति। जी संबंध निभाते हुए कमल फूल समान रहना है। सो कोई इसके ऊपर चिंतन शेयर करना चाहते हैं, सो कैसे आप इसको अप्लाई करते हैं फिजिकली प्रैक्टिकली ओम इस पर शांति। चिंतन। हाँ जी बोलिए। जैसे कमल पुष्प जो है ना, देखेंगे आप तो कीचड़ में ही रहता है, लेकिन उससे ऊपर रहता है। माना वो कीचड़ का कोई भी उसके ऊपर असर नहीं होता और बहुत खिला हुआ रहता है, सबको आकर्षित करता है, खींचता है। वैसे हम भी ज्ञान में चलते हैं तो हमारा परिवार ज्ञान में नहीं चलता है, वो तो माया के संग में है, शूद्र है। बाबा कहते हैं एक तरह से वो भी आप कीचड़ में ही भी रहते हो, लेकिन उस कीचड़ में रहते हुए भी आपकी स्थिति उस कमल पुष्प के समान ऊपर, वो माना अवस्था ऊपर वाले राम के साथ, माना शिव बाबा के साथ आपकी मन बुद्धि की तार जुड़ी हुई हो, रहते हुए भी उनसे लगाव न हो, झुकाव न हो, है उनके अंदर लेकिन उपराम। ये आपका मेरे मेरे चिंतन के अनुसार ये स्पष्टीकरण है। ओम शांति। जी एक राम के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए, यहाँ जस्ट हम निभाना है ना, हमें निभाना है रिश्तों को यहाँ। सो निमित्त है ना, हम निमित्त समझे है ना, ट्रस्टी है बाबा ने यहाँ निमित्त बनाए हैं इन सब आत्माओं को देखभाल करने के लिए। सो हम निमित्त है ये भाव रखेंगे तो हम नष्ट मोह होंगे। और एक बात बाबा ने आज भी कहा है ना, बच्चों समझो, अपने आप को बच्चा समझो, बड़ा नहीं है ना। सो बाप का बच्चा है हम सब, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ है ना। सो यहाँ जिम्मेवारी आप नहीं उठाना, बड़ा जिम्मेवारी लेते हैं ना, सो बाबा को दे देना जिम्मेवारी सब, ये भी है ना, दो प्रकार मेरी एक का हो पॉइंट गया। शेयर करनी थी, अगर संपन्न अर्थात मायाजीत नहीं होंगे तो माया का वार किसी न किसी रूप में होता ही रहेगा। ओम शांति। जी संगीता सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी जी। तो एक पॉइंट जो हमें बहुत ही टच किया वो ये था कि बाबा ने बोला कि अब बाबा का इतना परिचय दो कि जहां देखो बाबा के ही बच्चे दिखें। जैसे हम कभी हम रोड पे होते हैं, गाड़ी चलाते हैं और जो सामने वाली गाड़ी में बाबा का स्टिकर होता है तो हम कितने उमंग उत्साह में आ जाते हैं कि बाबा का बच्चा है गाड़ी में, तो हम पीप करके, वो तो बैड मैनर्स है पीप करना, परंतु तो एक ख्वाहिश होती है कि कौन सा बाबा का बच्चा है अंदर। तो वैसे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जहाँ देखो तहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, तो वो कैसा अलौकिक और सुंदर वायुमंडल होगा। तो इतना भी बाबा का नाम हमें प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।
जी हमें ब्राह्मण परिवार से मिलना बहुत अच्छा लगता है ना, कहाँ भी कैसे भी मिले तो हमें कितना खुश होते जी हैं। दीदी, वो मिल के ना फिर घर पे आके जो भी चैलेंज होते हैं ना, जो भी हरिकेन टोर्नाडो, जो भी अर्थक्वेक धूमधड़ाका होता है, वो सब फिर टॉलरेट हो जाता है। ना सो ब्राह्मण परिवार में ना वहाँ बेहद प्यार है, बेहद रिश्ता है ना, एक दूसरे का मन स्वभाव मिलता है, मिलता जुलता है, सब कुछ विशेषता है वहाँ, है ना, रूहानियत है, इसलिए वो आकर्षण करते हैं। जादव भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, दुनिया वाले भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ तक लाइन लगाते हैं, दो दो चार चार पांच पांच घंटे लाइन लगाते हैं। कई कई बड़े मंदिरों में मैंने देखा है, कोई 500 की लाइन अलग होती, कोई 200 की, कोई 100 की। लेकिन हमें तो देखो, भगवान खुद हमें मिल गया तो कितनी खुशी होना चाहिए, सदा मन में खुशी से नाचना चाहिए, ऐसे बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। जी भाग्यवान आत्माएं हैं हम, है ना, सारे कल्प के अंदर हमारा जैसा भाग्यवान कोई नहीं, संडे मुरली, है ना। सो धर्मात्मा हो चाहे महात्मा हो, चाहे कोई भी अन्य आत्मा हो, है ना, उनसे कंपेयर किए तो हमारा जैसा भाग्यवान कोई नहीं। भगवान का साथ हमारा रिश्ता है, भगवान का साथ हमारा पाठ है ना। तो बहुत सुंदर है जी। शेरू भाई जी, आप कुछ शेयर करना है? ओमशा दीदी जी, दीदी जैसे हम लोग जब कमल फूल समान की बात करते हैं, लौकिक में रहना है, जैसे कमल फूल का परिवार हमारा परिवार है, लेकिन निभाना सबके साथ है, लेकिन हम बस फंसना नहीं है किसी में। जैसे कमल फूल समान छिंटा नहीं रहना, तो नारा प्यार रहना है। ओम शांति। जी आत्मिक स्वरूप में रहकर हमारा कर्तव्य निभाना है, हाँ जी, तब हम फंसना नहीं। कमल, हाँ कमल पुष्प समान रह सकते हैं ना। स्मृति हमारा कौन सा होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है, मैं कौन हूँ, राइट जी। वंदना सिस्टर बोलिए। बाबा ने आज कहा, सदा अतिथि सुख में के झूले में झूलते हो, तो बाबा मिला और कुछ अतिथि ऑटोमेटिकली अतिथि सुख आ जाते हैं। अभी अशांति है, अशांति की दुनिया अपनी नहीं होती है, वो तो अलग दुनिया है, अपनी तो संगमी हुई दुनिया है, उस दुनिया में हम जा रहे हैं, तो वहाँ दुख ये क्या है, नाम मात्र भी नहीं होता है उसे। तो बाबा ये बोलते हैं, और पवित्र में तो पुष्प समान, कमल पुष्प समान में तो हमारा लौकिक परिवार बहुत बड़ा है, तो उसमें तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने ये बाबा का जब से बने हैं तब से ये सोचा है कि संबंध रखना है, बंधन में बांधना नहीं है, कोई भी रहने दो, पोता रहने दो, बेटे, बहुत सारे इतने सारे लोग हैं, तो ये करने से हमें बहुत सुख मिलता है। बस चुनना है सबका, सबके साथ रहना है, जब भी चाहे जहां भी चाहे ऐसा करना। ये बाबा ने दो बातें सिखाई है, दुख ये अशांति है, अशांति हमें देखनी नहीं, दुख क्या है भूल ही जाना है, अविद्या हो जाना उसके। ओम शांति। जी बाबा ने यही बात की नहीं ना, सीजन हाँ है, जी कौन सा सीजन है अभी, सीजन हाँ कौन सा चल रहा है अभी, संगम संगम में ना, बाबा मिलन का, बाबा मिलन का मिलन सुख का, और सुखी सुख है अभी अतीन्द्रिय सुख का, सुख में बाबा का मुरली सुने, अभी अव्यक्त मुरली में जुड़े तो पढ़ रहे, सबके पॉइंट सुन के इतना अत्यंत सुख लगता है, कितना खुशी लगती है, तो कुछ बोल नहीं पाते उसके बारे जी वही है ना। सो अभी में। सीजन है अतीन्द्रिय सुख पाने की, वही बाबा और तरफ हमारा मन बुद्धि न चले, है ना, अतीन्द्रिय सुख भोगने में भी हमारा मन बुद्धि चले, है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, अतीन्द्रिय सुख कभी भी हम अनुभव। अभी वीडियो में देखते हैं बाबा मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगता कि अरे हम वीडियो से जो हो गया वो देख रहे, ऐसा कभी नहीं लगता है। अभी बाबा मेरे मिलने मुझे मिलने लिए आए हैं, तो इतने दृष्टि भी देते हैं, पास में बैठते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। बस
मिलन खत्म ही है नहीं, ना, बाबा का कमल है ना, वही जब कमाल है। वो, हाँ बाबा जब मुरली चलाते हैं तो है ना तीनों त्रिकालदर्शी बनकर चलाते हैं, सो उस टाइम तो बाबा ने हम सबको इमर्ज किया होंगे है ना, अभी करते भी हम उसे उसी रीति से हम अनुभव करते हैं, बाबा हमारा सामने है ना, हमें हमारे लिए बाबा मुरली सुना रहे हैं, सो अभी प्रैक्टिकल है में हम ऐसे अनुभव करते हैं, तो बाबा पहले ही इमर्ज किए होंगे हम सबको, हम बाद में आए होंगे फिर भी। नहीं, बाबा से हमने बहुत बार मिलन किया है, तो भी ऐसे कभी नहीं लगता है कि हमने ऐसा नहीं किया, अभी अभी कर रहे हैं ऐसा लगता वही तो हमारा मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़े हैं तो है। हाँ ऐसे जी, ही अनुभव होंगे। ओम शांति। जयन भाई जी बोल रहे हैं। ओम शांति। बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में संगम युग का महत्व, इम्पोर्टेंस, महिमा बताई है। संगम युग अभी जो है उसमें बाबा के बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अतींद्रिय सुख पाएंगे, और अतींद्रिय सुख पा रहे हैं संगम युग में। संगम युग का बाबा ने इतना इम्पोर्टेंस बताया कि संगम युग में जो अतींद्रिय सुख है वो सतयुग में नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, लेकिन संगम युग में अतींद्रिय सुख मिलेगा, ऐसा बाबा का कहना है आज के मुल्य में। ओम शांति। तो संगम युग ही विशेष युग है ना, बाबा ने आज कहा ना, संगम युग के पास दुख अशांति का नाम नहीं, दुख को देख तरस आएगा है ना, सो हमें दुख का नाम निशान अभी नहीं होना चाहिए। नहीं सो इसका होता मतलब क्या है, बाबा का साथ अतींद्रिय सुख में हमें रहना है, तब ये दुख अशांति अनुभव नहीं होंगे, अदरवाइज है ना दुख की दुनिया इस तरफ है ना, दोनों साथ, एक तरफ अतींद्रिय सुख दूसरी तरफ है ना कलयुग प्रपंच, सो वो थोड़ा सा बहुत तीन लाइन है, लेयर है ना, सो हम अलर्ट रहना है, कलयुग की तरफ हम कभी भी जाना ही नहीं है, सदा संगम युग में रहकर अतींद्रिय सुख का अनुभव करना। जी तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, जब बाबा कैनेडा वाले आत्मा से बात कर रहे थे तो बोले थे कि बाप को परिचय देते चलो, हिम्मत नहीं हारना। बाबा बोले कि कोई धरनी फल थोड़ा देरी से देती है और कोई जल्दी से दे देता है, तो बाबा बोले क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी वाली रतन को निकालना है, तो परिचय देते चलो और जब समय आएगी कोई कोई धरनी देरी से फल देगा, कोई जल्दी से दे देता है। तो बाबा इसको ऐसे बोला था कि जी माला जरूर तैयार फल, करना है। जी जो बीज बोया जी है वो निकालना है, क्या फल उस उनसे उससे निकलना ही है ना, अभी शायद वो धरनी, जब किसी का हम बोझ बोते हैं ना उसका धरनी भी देखकर हमें बोझ बीज बोना है ना, सो उनका मन कैसा है, परिस्थिति किस परिस्थिति में वो लोग है समझकर हमें ध्यान देना है, फिर भी बाबा बोल रहे देते जाओ संदेश देते जाओ, कभी ना कभी वो फल प्राप्त होगा उसका। और किसी को एक दो पॉइंट लास्ट शेयर करना है, टाइम हो गया है। दीप्ति सिस्टर बोल रही है। जी ओम शांति। और ये बहुत अच्छा लगा पॉइंट, बाबा ने कहा जब आप अपने आप को बच्चा समझते हो तो बाबा फिर स्वतः ही याद रहता है, जैसे बच्चे को तो अपना बाप हमेशा याद रहता है, तो बच्चा बन जाओ बोझ तो होगा ही नहीं, और बाबा याद रहेंगे, और बाबा याद रहेंगे तो फिर प्राप्तियां तो होंगी ही। ओम शांति। पहला बाबा कहते कि अमृत तुल्य कोई भी आपको समस्या है या प्रॉब्लम है तो बाबा से रो रियान करो तो उसका हल मिल जाएगा। और जैसे बहन जी ने कहा कि अपने को अगर बच्चा समझेंगे तो स्वतः ही बाबा की याद आती रहेगी। ओम शांति। छोटे बच्चे बनकर रहना सारा दिन कल है ना, सो मजा आएगा। जी। ओके
हाँ ठीक है। सो मे सिस्टर आप हमें होमवर्क देना और लास्ट मिनट एक योग भी कराना 2 मिनट तक, और साथ साथ पोल का लॉन्च हुआ है, सभी मेन स्क्रीन पर आकर के पोल का आंसर देंगे। सर्व खजानों के मालिक और स्वराज्य के मालिक, ये डबल स्मृति सारे दिन भर में कितना बार रही? जी, पोल लॉन्च हो गया, मुझे नहीं मिला। हो गए, एंड भी कर दिया शायद। जी लॉन्च, अब आ गए। गौरी सिस्टर ने शेयर किया, एक्चुअली बाबा के साथ बच्चे जैसा जैसा ही फील होता है ना? बाबा का साथ हम कैसे बात करते, बाबा वो बाबा है, हम बच्चे हैं, है ना? वो तो है ही, और है ना, हमें विजुअलाइज करना है, हम छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे कैसे करते हैं बाबा का साथ? जी सोमी सिस्टर आप, सॉरी जिसो में सिस्टर होमवर्क देंगे हमें। ओम शांति। तो कल एक तो अपने आप को डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करेंगे और अतींद्रिय सुख का अनुभव करेंगे बाबा के साथ जुड़कर। तो ये दोनों अवस्था का उसकी गहराई में जाकर के टाइम निकाल के उसका अनुभव करें। अभी चलते हैं बाबा के पास। सूक्ष्म वतन में बाप दादा को देखें, ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता का रूप, चमकती हुई श्वेत प्रकाश की काया, मस्तक पर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, बाबा के नैनों में जो शिव बाबा समाए हैं, उनसे दृष्टि लेके अपने आप को भी भरपूर कर ले। मैं आत्मा डबल लाइफ फरिश्ता सब व्यर्थ से उभरा, सारे पुराने संस्कारों का संस्कार करके सर्व समर्थ आत्मा निष्काम परमात्म प्रेम से भरपूर सर्व बोझ से मुक्त, बंधन मुक्त प्यारे बाप दादा को थैंक्स बोलते हुए पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा अपने भाग्य की स्मृति को, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं इसको बार बार मन में दोहराते हुए
देह की दुनिया से दूर होकर परम धाम में बाबा के साथ एक की लगन में मगन होकर के निद्रा को प्राप्त करें। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी देवात्माओं का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। गुड नाइट।